दार्जिलिंग की सोलो मोटरसाइकिल यात्रा मेरे यात्रा ब्लॉग पर आपका स्वागत है। मैंने अपने एनफील्ड बुलेट पर भारत के कई स्थानों के सोलो राइड की है। एक सोलो राइड पे मैं गया था अगस्त 2018 में, जो मैंने स्टार्ट किया कोलकाता से, और उस राइड में मैं पहले गए थे मुर्शिदाबाद, फिर दार्जिलिंग, फिर गैंगटॉक सिक्किम, उधर से नेपाल गया था कठमांडू और पोखरा विजिट करने के लिए। नेपाल के वेस्टर्न बॉर्डर क्रॉस करके मैं उत्तराखंड पहुंच गया, उधर से देहरादून गया। करीब एक महीने के ट्रैवल था। तो ये जो वीडियो है मेरा सोलो राइड का सेकंड पार्ट है। इसमें मेरा दार्जिलिंग साइट सीइंग है। ओके, ये जगह का नाम है कुरसोंग और इधर से दार्जिलिंग 30 किलोमीटर है। मैं इधर पहुंच गया था मेरा राइड का तीसरा दिन, जो मैं स्टार्ट किया था मालडा से और सिलीगुड़ी होकर इधर पहुंच गया। लेकिन मेरा प्लान तो दार्जिलिंग पहुंचना था, लेकिन गूगल मैप ने मुझे सिलीगुड़ी से एक अलग से रूट पे लेके गया। वो रोड भी दार्जिलिंग जाता है, लेकिन जंगली इलाका से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। 20 किलोमीटर जाने के बाद मैं सिलीगुड़ी वापस आ गया, उधर से सही रास्ते से कुरसोंग तक पहुंच गया। तो मैं कुरसोंग से निकल रहा हूँ दार्जिलिंग के लिए। तो ये जो देख रहा है कुरसोंग रेलवे स्टेशन, ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के एक स्टेशन है कुरसोंग पे। अगर आप दार्जिलिंग विजिट कर रहे तो ये टॉय ट्रेन ट्रैवल थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो मैं निकल गया होटल रूम से, और निकलते ही गूगल मैप्स ने मुझे एक पता नहीं कहाँ कौन से रास्ते पे लेके जा रहा है। थोड़े टाइम घूमने के बाद फिर मैं वापस रूट सही रास्ते पे आ गया, और ये है कुरसोंग रेलवे स्टेशन का लोको शेड। यहाँ पे शायद इंजन के पार्किंग और मेंटेनेंस वगैरह होते होंगे। तो ये है दार्जिलिंग जाने के लिए सही रास्ता, और ये रास्ता तो मोस्टली ऐसा ही है, वेरी नैरो। एक साइड पे ये रेलवे ट्रैक हमेशा के लिए है कुरसोंग से दार्जिलिंग तक, एक साइड पे मिल जाएगा रेलवे ट्रैक। मुझे लगता है कि रोड का जितना हो सकता है उतना इंक्रीज किया है, अभी इसका विड्थ और नहीं बढ़ा सकते। मैं गया था अगस्त में और ये मानसून के बाद है, तो हल्का सा बारिश अभी भी है। अगर आप लोग कई हिल स्टेशन गए हो तो पता लगेगा, क्योंकि मानसून टाइम अगर बारिश है तो हिल स्टेशन में क्लाइमेट बहुत घटिया होता है। पहले बात है फॉगी क्लाइमेट, कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा, और अगर टू व्हीलर चला रहा है तो फ्रीज हो जाएगा पूरा बॉडी, हाथ पैर सब। जितना भी जैकेट रेनकोट ये सब पहनने की बात भी कुछ फर्क नहीं पड़ता इस इतने ठंडे मौसम में। सो ये है मेरा रूम दार्जिलिंग में, मैं लिया था और ये मुझे थोड़ा चीप रेट में मिल गया, ओनली 350 रुपीज पर डे। कुछ ज़्यादा बोलने के लिए नहीं है इस रूम के बारे में, ओके टाइप का रूम है। इतना चीप मुझे मिला क्योंकि ये ऑफ सीजन है, तो इधर के लोग मुझे बता रहे थे कि सीजन टाइम पे ये 2000 से 3000 तक जाते हैं। तो बीच में मैं एक बात बोल देता हूँ, मैं पहले बोलना चाहिए था, ये वो है कि मेरा हिंदी उतना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं केरला से हूँ। मैंने हिंदी अपने दोस्तों से सीखा है, फिल्मों से सीखा है, और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स वगैरह ट्रैवल करके विजिट करके सीखा है। तो मेरा हिंदी में ग्रामेटिकल मिस्टेक सब बहुत होंगे, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ माफ़ कर दो अगर ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ मिस्टेक है तो। तो कंटिन्यू करते हैं, ये मेरा सेकेंड डे है दार्जिलिंग में, और मैं निकल गया हूँ नेताजी सुभाष म्यूजियम देखने के लिए। इनफैक्ट ये म्यूजियम तो दार्जिलिंग में नहीं है, ये कुरसोंग में है। 30 किलोमीटर दार्जिलिंग से आना पड़ता है, तो अगर आप कुरसोंग रूट से दार्जिलिंग आ रहे हैं तो आपके लिए फर्स्ट विजिट प्लेस होगा ये म्यूजियम। इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, आधे घंटे में हो जाएगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके भाई शरद चंद्र बोस के घर थे, कन्वर्टेड टू ए म्यूजियम। तो इतना बड़ा घर भी नहीं है, 3-4 रूम है, उसमें फोटोग्राफ्स, हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट सब रखा हुआ है। तो जिस रास्ते से मैं कल यानी कुरसोंग से गए थे, वही रास्ते से जा रहा हूँ, दूसरा कोई रास्ता नहीं है दार्जिलिंग पहुँचने के लिए। हाँ, एक रास्ता है सिलीगुड़ी से, एक फॉरेस्टेड एरिया से एक रास्ता है दार्जिलिंग तक, तो वो थोड़ा लंगटी रूट है। दार्जिलिंग में मैं 3 दिन के लिए रहे थे, और हर दिन ऐसे ही मौसम था, मोस्टली रेन, ज़्यादा बारिश नहीं था, हल्का सा बारिश ही था। लेकिन अगर हम बाहर निकल रहे तो मैं स्पेशली टू व्हीलर पे तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। दार्जिलिंग हिल्स का एक स्पेशलिटी है ये बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज है, और ये उनमें से एक है सैंडोप दार्जिलिंग शेरपा बुद्धिस्ट मोनास्ट्री।
इनफैक्ट ये रोड साइड पे ही है, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा आपको। कुर्सोंग टू दार्जिलिंग रूट पे है। हिल स्टेशन की एक और स्पेशलिटी है रोप वे या केबल कार। दार्जिलिंग में भी एक रोप वे है, ये इंस्टॉल किया था 1968 में, लेकिन एक एक्सीडेंट हो गया था 2003। उसके बाद पता नहीं कि ये अभी चल रहा है कि नहीं। और फिर क्लाइमेट थोड़ा फॉगी है, कोहरा है, तो ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का एक स्टेशन है घूम रेलवे स्टेशन, और ये है भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन। इधर कुछ खास देखने के लिए नहीं है, स्टेशन है, ट्रेन है, ट्रेन आते जाते रहते हैं। खास बात यह है कि 1879 में ये कंस्ट्रक्ट किया था, तो करीब 140 ईयर्स पुराना है। घूम रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा आगे जाएगा तो आपको ओल्ड घूम मोनेस्ट्री मिल जाएगा, या साक्या गुरु मोनेस्ट्री। मैं इसके अंदर नहीं गया क्योंकि उस टाइम बारिश हो रहा था और मैं बहुत थक गया था बारिश की वजह से। इतने ठंडे क्लाइमेट में बाइक चलाना और वो भी बारिश में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरा तीसरा दिन है दार्जिलिंग में, और मैं निकल गया हूँ बुद्धिस्ट टेम्पल देखने के लिए, जापानीज पीस पगोड़ा। ये जापानीज पीस पगोड़ा इनॉग्रेट किया था 1992 में, ये बनाया था जापान के एक बुद्धिस्ट रिलीजियस ग्रुप। लेकिन ये सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों के लिए नहीं है, सब रिलीजियन, सब रेस, क्रीड, सब लोग जा सकते हैं इधर। तो इधर एक जापानीज ट्रेडिशनल स्टाइल के बनाया हुआ एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, जो शायद उस पीस पगोड़ा से पहले थे, 1972 में शायद बनाया था ये टेम्पल। टेम्पल के अंदर सब लोग जा सकते हैं, और इधर एक पिक्चर है इस फाउंडर, बुद्धिस्ट ग्रुप का फाउंडर है फूजी गुरुजी। पीस पगोड़ा टेम्पल कॉम्पाउंड में ही है। ऐसे पीस पगोड़ा ये जापानीज बुद्धिस्ट ग्रुप इंडिया में और बहुत सारे देशों में बनाया है। इंडिया में दूसरे जगह पे भी मैं ये पीस पगोड़ा देख चुका हूँ। बहुत अच्छा सा एक माहौल है इधर, बहुत काम, क्वाइट, पीसफुल एटमॉस्फेयर। दार्जिलिंग का टूरिस्ट ऑफ सीजन है, इसलिए ज्यादा टूरिस्ट भी नहीं था इधर। और ये है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का टॉय ट्रेन। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस में है। इसमें टूरिस्ट लोगों के लिए जॉय राइड्स है, डेली राउंड ट्रिप है फ्रॉम दार्जिलिंग टू घूम, और नॉर्मल पैसेंजर सर्विस है न्यू जलपाईगुड़ी टू कुर्सोंग टू दार्जिलिंग। और मुझे लगता है इसके लिए ग्रुप बुकिंग्स भी कर सकते हैं, ज्यादा टूरिस्ट है तो आप ग्रुप बुकिंग कर सकते हैं इसमें। और अभी मैं पहुंच गया हूं दार्जिलिंग के हिमालयन टिबेट म्यूजियम। ये दार्जिलिंग सिटी सेंटर में ही है, गांधी रोड में, तो बहुत एक्सेसिबल है ये। ये ज्यादा बड़ा म्यूजियम नहीं है, एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे थोड़ा बड़ा सा एक रूम है, तो उसमें बहुत सारे टिबेट के कल्चर, उसके रिलीजियन, स्क्रिप्ट, मेडिसिन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह का एक्सिबिट है इधर। ये उतना पुराना म्यूजियम नहीं है, बहुत रिसेंटली ओपन किया था, शायद 2015 में शायद ओपन किया था। टिबेटन हेरिटेज प्रिजर्व करने के लिए एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने ओपन किया था ये म्यूजियम। इधर आप टिबेटन कल्चर और हिस्ट्री के बारे में एक अच्छा आइडिया मिलते हैं। इधर के एक्सिबिट सब बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया है, जो ही टिबेटन क्लोथ पेंटिंग्स है बहुत अच्छे से, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, टिबेटन प्रेयर बेल्स और बहुत सारे अदर आर्टिफैक्ट्स है इधर। नॉर्मल जो गवर्नमेंट जो बनाते हैं म्यूजियम्स, वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत टाइम घूमना पड़ता है वो सब देखने के लिए। लेकिन ये टिबेटन म्यूजियम एक छोटा सा म्यूजियम है, ज्यादा बड़ा नहीं है, एक बड़ा सा रूम है, उसके अंदर पूरा एक्सिबिट्स रखा हुआ है। सब कुछ डिटेल देखने के लिए शायद एक दो घंटा लगेगा, उससे ज्यादा नहीं। और म्यूजियम भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, तो इसलिए शायद दार्जिलिंग में ये भी एक मस्ट विजिट प्लेस है। तो अभी मैं म्यूजियम से निकल गया, और आज उतना बारिश नहीं है, जो मैं जब दार्जिलिंग आया था दो दिन के लिए बहुत भारी बारिश आ रहा था, तो आज उतना नहीं है, लेकिन फॉगी क्लाइमेट अभी भी है। अगर इतना फॉगी क्लाइमेट नहीं होता तो बहुत सारे व्यू पॉइंट्स है दार्जिलिंग में, उधर सब जाके आपको अच्छे से व्यू मिल जाएगा दार्जिलिंग हिल्स के। क्योंकि बहुत सारे फॉग थे, फॉगी क्लाइमेट था, तो मैं ज्यादा व्यू पॉइंट्स देखने के लिए नहीं गए। और अभी मैं जा रहा हूँ पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क देखने के लिए, दार्जिलिंग जू।
ये जूर दार्जिलिंग टाउन से बहुत ज्यादा दूर नहीं है और इसका एरिया तो थोड़ा बड़ा है, ज्यादा है मेरे ख्याल से 70 एकर ऐसा कुछ है। इधर के खास बात यह है कि हिमालयन माउंटेनियस रीजन में जो रहते हैं वो सब एनिमल्स देखने मिलेंगे। तो इधर आपको देखने के लिए मिलेंगे स्नो लेपर्ड, टिबेटन वुल्फ, हिमालयन लेपर्ड, रेड पैंडा, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स। दार्जिलिंग जू अभी पद्मजा नायडू, इंडिया के एक फ्रीडम फाइटर और पॉलिटिशियन था, उनके नाम से जाने जाते हैं अभी। दार्जिलिंग जू के कॉम्पाउंड में ही एक और इंस्टीट्यूट है, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। ये एस्टेब्लिश किया था 1954 में इंडिया के यूथ में माउंटेनियरिंग प्रमोट करने का। तो इधर बहुत सारे माउंटेनियरिंग और एडवेंचर कोर्सेस दिए जाते हैं, बहुत इंटेंसिव कोर्सेस है। तो इतना था मेरा दार्जिलिंग का टूर। ये मेरा तीसरा दिन है दार्जिलिंग में। जब मैं कलकत्ता से मेरा राइड पे निकल रहे थे, मेरा आइडिया, पहला आइडिया था नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जाने के लिए, पहले असम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अगर हो सकते तो नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, ये सब जगह जाने का प्लान था मेरा। लेकिन उस टाइम असम में बहुत बारिश थे और दार्जिलिंग में भी बहुत बारिश थे, तो मेरा उधर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और मैं गया गैंगटॉक सिक्किम। तो मेरा अगला राइड, अगला वीडियो है दार्जिलिंग टू गैंगटॉक राइड है। दार्जिलिंग से गैंगटॉक जाने के लिए 2-3 रास्ता है। जिस रास्ते से मैं गया वो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा था वो रोड, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था उस रोड में, एक जंगली इलाका है और बहुत सारे अच्छे सीनरीज भी थे। तो दार्जिलिंग से मैं गैंगटॉक पहुंच गया और उधर मैं 3-4 दिन रहे थे। तो मेरा अगला वीडियो होगा दार्जिलिंग टू गैंगटॉक राइड। उसके बाद है गैंगटॉक के टूरिस्ट अट्रैक्शंस, टूरिस्ट प्लेसेस। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब टू माई चैनल।